नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों बता दें कि सौविक चक्रवर्ती एक बार फिर से जेल से निकलने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। जी हां, आपको बता दें क्योंकि रिया चक्रवर्ती ऑलरेडी जेल से बाहर आ चुकी है, लेकिन ऐसे में सौविक चक्रवर्ती जेल के अंदर ही फड़फड़ाने लग गया था और उसको पता था कि पुलिस वाले उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और पुलिस वाले जिस तरह से इस टाइम पर फॉर्म में है, इस वजह से कहीं ना कहीं सौविक चक्रवर्ती को डर लगने लग गया था। और जब से रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आई है, तब से रिया चक्रवर्ती भी लगातार प्रयास कर रही थी कि वो सौविक चक्रवर्ती को कैसे भी करके बाहर निकाले। लेकिन दोस्तों बता दें कि अब सौविक चक्रवर्ती ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है और वो जेल से बाहर आने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि सौविक चक्रवर्ती ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इससे सुनकर के आप भी पूरी तरह से दंग रह जाएंगे, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर देखना। दोस्तों बता दें कि जब रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ गई तो उसने एक से बढ़कर एक प्रयास किया सौविक चक्रवर्ती को जेल से बाहर निकालने के लिए, और रिया चक्रवर्ती ने काफी सारे सबूत भी ढूंढे, लेकिन बावजूद इसके रिया चक्रवर्ती इनमें फेल रही। और इसके बाद सौविक चक्रवर्ती को समझ में आ चुका था कि अब उसको ये कुछ करना पड़ेगा जेल से बाहर आने के लिए, और इस वजह से सौविक चक्रवर्ती ने एक बड़ा कदम उठाया। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से सुनना कि सौविक चक्रवर्ती ने क्या किया है। दोस्तों बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में भले ही रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनके भाई सौविक चक्रवर्ती अभी भी सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। जमानत याचिका लगातार ठुकराए जाने के बाद अब सौविक ने उठा लिया है एक बड़ा कदम। जी हां, अब सौविक जेल से बाहर आने का एक नया रास्ता तलाश कर रहा है। इसके लिए सौविक ने स्पेशल नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंट कोर्ट में एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन फाइल की है। जी हाँ दोस्तों, क्या होती है फ्रेश बेल एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना। आपको बता दें कि सौविक का नाम इस केस में तब आया जब ड्रग्स डीलर से हुई उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आई। वहीं रिया की बात करें तो सुशांत केस में एनसीबी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इस गिरफ्तारी के बाद रिया एक महीने तक एनसीबी की न्यायिक हिरासत में। इसके बाद 7 अक्टूबर को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी, लेकिन उनका भाई सौविक चक्रवर्ती अभी भी जेल में ही पड़ा हुआ था, जिसके बाद सौविक को समझ में आ गया था कि अब उसकी जमानत नहीं मिलने वाली है। इस वजह से सौविक लगातार दिन रात सोच रहा था कि वो किस तरह से आखिर जेल से बाहर आ सकता है, और इसी वजह से फाइनली सौविक ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उसने एक एप्लीकेशन फाइल की है। दोस्तों बता दें कि इस एप्लीकेशन फाइल से काफी हद तक सौविक चक्रवर्ती को छूट मिल सकती है, लेकिन बावजूद इसके पहले इसकी बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल होगी और देखा जाएगा कि सौविक चक्रवर्ती आखिर किस वजह से यह एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। वहीं बता दें कि सुशांत की बहनों के साथ भी रिया ने उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को भी अपने निशाने पर लिया, और जिस तरह से सौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से रिया चाहती है कि वो हमेशा के लिए आजाद हो जाए, इस वजह से सौविक चक्रवर्ती ने ये बड़ा एप्लीकेशन फाइल किया। और रिया चक्रवर्ती जिस तरह से बाहर आकर के काफी सारे लोगों की दुश्मन बन चुकी है, तो सौविक चक्रवर्ती भी अपना बदला लेना ही चाहता होगा, और इस वजह से सौविक चक्रवर्ती भी चाहता है कि वो कैसे भी करके अब जेल से बाहर आए। दोस्तों बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिया जल्द ही सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाली है। वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंदे ने कहा है कि जिन भी लोगों ने रिया का अपमान किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उन पर मानहानि का केस भी दर्ज किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती के तोते उड़े हुए हैं और जिस तरह से इनको जेल में काफी मारा पीटा गया और साथ ही इनको पूछताछ के लिए बार-बार समन भेजा गया, इस वजह से इनका खून पूरी तरह से खोल चुका है और ये बौखलाए हुए हैं। इस वजह से सौविक चक्रवर्ती भी अब जेल से बाहर आने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और वो जानता है कि उसके पास अब जेल से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो किसी भी तरह से सीबीआई वालों से रिक्वेस्ट करे या फिर किसी भी तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी से कुछ भी बोले, लेकिन उसे जेल से बाहर आना ही होगा। तब जाकर के वो ये प्रूफ कर सकता है कि वो पूरी तरह से बेगुनाह है, और इसी वजह से रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती अब दिन रात इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि सौविक चक्रवर्ती का जेल से बाहर आना कितने लोगों के लिए खतरा हो सकता है, साथ ही वो कौन से लोग हैं जिन पे सौविक चक्रवर्ती जेल से बाहर आने के बाद भारी पड़ सकता है। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।